वन मिनट चलो सबको दिख रहा है बेटा यस्यानु टेंशन करिए कि ओके स्टूडेंट्स मैम सबने मेंशन कर लिया सी डब्ल्यू एंड डेट मैम दिखाई नहीं दिख रहा मैम दिख रहा है क्लास वर्क और डेट मेंशन हो गया सब देखिए बेटा चैप्टर चैप्टर नंबर कौन सा है 14 है यानी 14 ठीक है हिंदी में इसे क्या बोलते हैं 14 मैंने लिखवाया था ना आप लोगों को मैम पर दिखाई नहीं दे चैप्टर रहा यानी पार्ट जो हमारा मैम कुछ दिखाई नहीं पार्ट दे उसका रहा क्या नाम है चलो केक बनाए क्या है मैम अच्छी तरह से तो दिखाई नहीं दे रहा और अभी तो दिखाई नहीं दे रहा मैम दिखाई नहीं दे रहा हाँ मैम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मैम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है गई थी ना चलो अब दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से वन मिनट ठीक है अब अच्छे से दिखाई दे रहा है यस या नो ठीक है अब अच्छे से दिखाई दे रहा है बेटा क्यों और आपको दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से दिख रहा है ना चलिए फर्स्ट वन लिखिए शब्द और नेक्स्ट साइड में क्या लिखोगे आप अर्थ ओके पहले आप लिखोगे शब्द देन उसके बाद अर्थ ठीक है शब्द में हमारा क्या था मैंने अंडरलाइनिंग कराया था आपके टेक्स्ट बुक में जो आप हमारा चैप्टर था चलो केक बनाए मदद म द द ठीक है तो मदद का मतलब क्या होगा और क्या होगा सहायता करना क्या होगा सहायता करना ओके हो गया बेटा सबका फर्स्ट वन का इसको की बेटा चलिए लिखिए या तो आप फर्स्ट वन का नहीं हुआ सबका चलो सेकेंड वन है आपका गपशप गपशप यानी इसका अर्थ होगा बातें करना क्या है बातें करना थर्ड वन है सुगंध थर्ड वन क्या है बेटा सुगंध सुगंध के बाद वो आप इंग्लिश जैसे हम इसको बोलते हैं बहुत ही खाना बहुत ही टेस्टी है ठीक है इस खाने में बहुत ही टेस्ट है तो यानी स्वाद फूड ठीक है
तो परी जो केक बनाई थी वो केक कैसा बना था? बहुत ही स्वाद गुड़ बना था ना। फिफ्थ वन है वादा। क्या है वादा? यस या नो? तुमने वादा किया ना, ये प्रॉमिस करना। प्रतिज्ञा ना कि हम आज के बाद सहायता करेंगे, ठीक है, और हम अपना अपना काम भी करेंगे। यानी वो केक जो बना था ताजे केक से घर में पार्टी देना करना केक को खाने की पार्टी ओके एवरीवन, सबको अच्छे से दिख रहा है। ओके से योर वर्क इज डन। अभी वो क्या कर रहा हूँ, मे बी पेज नंबर सिक्स से क्वेश्चन बैंक उसमें थी आपको करना है, ठीक है। और आपका होमवर्क जो है यही है, वर्ड मीनिंग्स यानी शब्दार्थ, ये आपके होमवर्क है। आपको एक्स्ट्रा नोटबुक में इसे लिखना है। ओके क्लियर, सबको समझ में आ गया ना? ये आपका होमवर्क है। चलिए क्या है, आप ले लोगे तो भी अच्छा ही होगा आपके लिए। किसके वजह से भी आते हैं ना, तो आपके पास रहेगा तो लिख लोगे अच्छे से। ओके ओके
फिर लेनी है, ठीक है? क्या लेनी है? ओके, चलिए इसका आंसर होगा, उत्तर है अंडा, पीसी चीनी, मक्खन और केक बनाए। कौन सी सामग्री लगी थी? सामग्री अंडा, पीसी चीनी, मक्खन और मैदा। केक बनाने में सामग्री लगी थी, लेकिन यही डाला था ना केक बनाने के लिए। ओके, थर्ड वन क्वेश्चन है, सॉरी सेकेंड वन क्वेश्चन है आपका। परी कौन थी तो बताइए। नंबर सिक्स तो मेरी थी। सभी लोग, इसका आंसर होगा परी। परी ओके, कौन सी नाम थे? शिखा के मित्रों के क्या नाम थे? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ। शिखा के मित्रों के क्या नाम थे? ओके, चलो उसका उत्तर है क्या है के मित्रों के नाम। ओके, मोहित, रुचि, मुदिता और नाम लिया। आप दिख जाए, नेटवर्क इशू की वजह से अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, या हम बार बार लेफ्ट को जा रहे हैं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ताकि आप बाद में भी लिख सकते हो।
या हम लिफ्ट हो जाएंगे आप उसमें से देख के हमने ले लिया सौम्या, योर वर्क इज डन। शब्दार्थ भी आपने लिख लिया सौम्या, आपने शब्दार्थ भी कर लिया। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, हम बात
कंप्लीट हो गया बेटा? अभी किसका किसका और कंप्लीट नहीं हुआ है? बिंदा बस चलिए करिए वर्सी में ना बच्चा हो गया सबका वेरी गुड एंड नेक्स्ट
सबके कंप्लीट हो गए ना वर्क? कंप्लीट हो गया? ओके ओके बेटा सुके एंड द लास्ट वर्ड इज बिलॉन्ग BELOW आयुष आपको अच्छा लग रहा है? आयुष बोल रहे हैं फिर से ओके चलिए आयुष स्टूडेंट्स अभी लंच पीरियड हो गया है ना। प्रतीक क्या नो? प्रतीक क्या नो